ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों में प्रणाम करते हुए चलिए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा, जिसे हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं, ये इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है। हिंदू सनातन धर्म में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। ये व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष मिलता है उनको, जिससे हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारा घर खुशियों से भरा रहता है। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी भगवान श्री हरि को समर्पित है और इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है कि इसको श्रवण करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम इंद्रसेन था। वो बड़े ही अच्छे शासक धर्मात्मा भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। एक दिन देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन की सभा में पहुंचे। राजा ने नारद जी का आदर किया और आगमन का कारण पूछा। इस बात पर नारद जी ने कहा कि कुछ दिन पहले वो यमलोक गए थे, उनकी मुलाकात आपके पिता से। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एकादशी व्रत नहीं किया था, इंदिरा एकादशी, जिसके कारण हमारी ये गति हुई। अब मेरा पुत्र यदि इंद्रसेन आश्विन कृष्ण मास की एकादशी को व्रत कर ले और दान धर्म कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाए। नारद जी की ये बात सुनकर उनसे व्रत का विधान पूछ लिया और संकल्प किया। प्रातःकाल उठ कर के विधि विधान पूर्वक पितरों के निमित्त उन्होंने ब्राह्मण को भोजन और गाय को, पशु पक्षियों को, दीन दुखियों को दान किया, जिससे उनके पिता को मोक्ष हुआ और इतना ही नहीं उन्हें भी अपने पितृ का आशीर्वाद मिला। इस जन्म में राजा इंद्रसेन को धन धान्य सुख समृद्धि मिली, अंत में उन्हें भी भगवान श्री हरि का धाम मिला। इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। इस एकादशी में जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन, चाहे एक ही ब्राह्मण को, जो भी हो। जय श्री